राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयास इन्द्रियैश्चरम् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राग द्वेष वियुक्तैस्तु, राग द्वेष से वियुक्त होकर, रहित होकर, विषयान इन्द्रियैश्चरम्, विषयों में जो इंद्रियों का विचरना है समुचित रूप से, तो कहते हैं उससे क्या होगा, आत्मवशे, और जिसका मन शरीर बुद्धि वश में है उसी को प्रसन्नता मिलती है। तो आप लोग कहेंगे महाराज तीन दिन तो मन वश में कराए, शरीर वश में कराए, इंद्रियां वश में कराए, इतना दुख तो कभी नहीं हुआ था, प्रश्न उठेगा। तो क्या हालत रही होगी आप ये लोग जानते रहे होंगे, दूसरे दिन थोड़ा कम हुआ, सोचते होंगे कहां महात्मा चक्कर में पड़ गए, इतनी पीड़ा कभी नहीं हुई थी, इसे अच्छा तो कर ही था, दूसरे दिन थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी कठिनाई तो झेलनी ही पड़ रही है, तीसरे दिन थोड़ा और कम हुआ, आज और कम हुआ, अब कल परसों खत्म हो जाएगा तो आनंद की बारी आएगी, सुख की बारी आएगी, शांति की बारी आएगी, तो उसमें आप क्या करेंगे, राग करने लगेंगे, आ कितना आनंद है, कितनी शांति है, यही परमात्मा है। लेकिन वो भी परमात्मा नहीं, वो भी प्रकृति का ही आनंद है, वो भी प्रकृति के अंदर की ही शांति है, वो भी इंद्रियों की ही शांति है, उसको भी अनित्य समझना। जैसे दुख है तो दुख को तो दुख समझ रहे हैं, लेकिन वो समझना असली है जब आप दुखी ना हो। चलो थोड़ा थोड़ा एक एक कण तो जागृति आ रही है कि चलो दुख है, समझाते समझाते अरे भाई बदल जाएगा बदल जाएगा, तो सुनते सुनते थोड़ा दिमाग में आएगा महात्मा जी कह रहे हैं हो सकता बदल जाए, तो बदल ही गया, तो थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ, थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ, अनुभव हुआ, जानकारी हुई, तो एक एक कण आप लोगों को प्रज्ञा अंदर हुई, तो अब भारी से भारी दुख में वो खत्म हो जाएगा। जितनी मात्रा में आप ये समझेंगे कि अनित्य है उतनी ही मात्रा में, उतनी ही जल्दी वो खत्म हो जाएगा, और जितनी मात्रा में दुख आएगा उसको दुखी हो जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर दुखी हुए तो वो मल्टीप्लाई माने क्या होता है हिंदी में, कई गुना होकर के अंदर जाएगा। आए हैं साधना के लिए, दुख पैदा, दुख को दूर करने के लिए, प्रज्ञा पैदा करने के लिए, लेकिन होगा उल्टा, संवेदना तो होगी लेकिन समझ ठीक नहीं होगी, प्रज्ञा नहीं पैदा होगी, समता में नहीं होंगे, तो उलट करके अंदर जाएगा और वो दुख बढ़ेगा। इसलिए सावधान, हर बात को अच्छी तरह समझें, समझ करके काम करें। कल जांच किया जाएगा, तो पहले समझें कि संवेदना क्या चीज होती है, कल पूछेंगे कि संवेदना हुई कि नहीं हुई। वेद काल में वेदना का अर्थ होता था वेदन, वेद से बना वेदन, वेद विद धातु से ज्ञाने अर्थ में होता है, वेदन अनुभवन जानना। लेकिन आज की भाषा में अगर कहा जाए वेदना हो रही है तो वेदना का अर्थ क्या हो, पीड़ा हो रही, दुख हो रहा है, तो इसीलिए सम उपसर्ग जोड़ करके क्या कहा गया, संवेदना, यानी सम्यक प्रकार से अनुभव होना, प्रतिक्षण शरीर में सम्यक प्रकार से अनुभव हो रहा है कि यहां संवेदना, यहां कुछ खटपट मालूम हुआ, फिर यहां कुछ तनाव मालूम हुआ, हाथ अपनी जगह है, तो सिर में कुछ वेदना हुई, कुछ खटपट हुआ, कुछ खिंचाव तना हुआ, तो प्रज्ञा की दृष्टि से आप जाने कि हाँ ये सिर है, ये ललाट है, ये आंख है, वो वेदन हो रहा है, प्रतिक्षण अनुभव हो रहा है, इसी को बोलते हैं वेदन, वेद, इसी वेदन से वेद बना, चारों वेद बना, तो हर यही वेदन हुआ, खिंचाव है, कहीं तनाव है, कहीं दुखा है, कहीं घबराहट है, कहीं
कुछ है कहीं कुछ है, हर क्षण जानना है ना, लेकिन उस जानने के साथ सम प्रज्ञान जोड़ेंगे, जिसको प्रज्ञा बोलते हो, जिसको विपश्यना बोलते हो, विशेष रूप से देखना, प्रकर्षण जायते इस प्रज्ञा, अर्थात उसके असली रूप को समझना। जैसे सिर में पीड़ा हुई, अब तो पीड़ा तो हो गई, अब घुटने में कितने लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है, पीड़ा तो हो रही है, लेकिन उभेदन हो रहा है, क्या पीड़ा हो रही है उसको इनकार नहीं करना, सही बात है। अब उसको प्रज्ञा जोड़ो उसमें कि जो पीड़ा हो रही है वो बदल रही है, बढ़ रही है, परिवर्तित हो रही है, घट रही है, छीण हो रही है और अंत में नष्ट हो रही है। छह स्थितियां होती है, जायते उत्पन्न होती है, पहले नहीं था उत्पन्न हो गई, है अनुभव हो रहा है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, वर्धते, फिर घट रही है, घट रही है, फिर छीण होती है, फिर विशेष परिणाम होती है, घटती बढ़ती घटती बढ़ती अंत में समाप्त हो जाएगी। चौथे पांचवें दिन ये दर्द कपूर हो जाएगा, तब कहेंगे महाराज दर्द तो खत्म हो गया, बड़े खुशी होंगे। उसमें खुशी भी नहीं होना, अरे भाई वो अनित्य है, आपका दुख भी अनित्य है, आपका सुख भी अनित्य है, यही प्रज्ञा है। जैसे रात और दिन, रात और दिन, ऐसे ही सुख दुख आएंगे, उसमें सम रहना कि अनित्य, इसे हम दोस्ती नहीं करेंगे, दुश्मनी नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं प्रज्ञा। जो शरीर में एक्टिविटी है, शरीर में जो हलचल है, क्रिया है, उसी को वेदना बोला जाता है, और उसमें जब उसको अनित्य समझेंगे तो वो प्रज्ञान हो गया, अनित्य नहीं समझेंगे, दुखी सोगी होंगे तो अज्ञान हो गया। तटस्थ होके जानेंगे, साक्षी भाव से जानेंगे, अनित्य समझेंगे तो ज्ञान हो गया, प्रज्ञा हो गई, विपश्यना हो गया, और दुख में दुखी होने, दुख आने पर दुखी होंगे, घबराहट आने पर घबरा जाएंगे, तनाव आने पर तनावग्रस्त हो जाएंगे, उदासी आने पर उदास हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, अज्ञान हो जाएंगे। गंदा नाला और जमुना दोनों साथ है, साथ बह रही जमुना में, वहां दिल्ली में, थोड़ा सा अवसाद असावधान हुए तो काना बन जाओगे अंधा, और ठीक जो है गंदे नाले में स्नान करोगे। इसलिए विवेक रूपी नेत्र खोलो और ये समझो कि अनित्य है, कितना भी दुख हो रहा है, थोड़ा बहुत तो दुख तो होता ही है, कोई बात नहीं, घबराते हुए भी कहो अनित्य है, अनित्य है, तो उसका असर पड़ेगा, तो अनित्य है, अनित्य है, तो वो आप जमुना में स्नान करेंगे, तो जमुना के तट पर खड़े रह करके गंदे नाले को देखो, गंदे नाले में नहीं गिरना। गंदा नाला क्या है, यही घबराहट, यही तनाव, यही दुख, यही सुख, यही पीड़ा, यही सब गंदा नाला बह रहा है। जो आपके अंदर गंदा नाला है, अब वो शरीर पर आ रहा है, जन्म जन्म के संस्कार, अब उसको साफ साफ देखेंगे तो अपने आप बह के चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, और दुखी सुखी हो जाएंगे तो फिर पलट करके अंदर आ जाएगा, जैसे फव्वारे का पानी जहां से उठता है फिर उसी में आके गिरता है। तो फव्वारे का पानी नहीं बनना, निर्मल गंगा धारा बनना, कि जो अंदर से बह रहा है बह जाने दो, अनित्य है, दुख आया तो क्या हो, दुख तो हो रहा है लेकिन अनित्य है, बह रहा, सुख आया बह रहा, घबराहट आई बह रहा, तनाव आया बह रहा। इस तरह से प्रतिक्षण प्रत्येक संवेदना के साथ नित्य बोध, यही प्रज्ञा है, यही विपश्यना है, यही समाज सह समाधि है। मन ही अवतार है, मन ही करता है, मन ही भोगता है, परम पुरुष नहीं। सजग रहो, सजग रहो, तब जाकर के कान आंख खुलती, अरे हम तो श्वास का ध्यान कर रहे थे, मन कहां जा रहा है। अब जिससे राग रहा होगा, अब उसके शरीर का चिंतन, उसके हाव भाव का चिंतन, उसकी वाणी का चिंतन, यहां कहेंगे श्वास पर ध्यान करो, श्वास पर ध्यान करो, घंटों से बह जाएगा, मुश्किल से एक मिनट दो मिनट, ये तो राग का हो गया। मन के दो ही क्षेत्र हैं, एक राग और एक द्वेष। अब जिससे राग रहेगा तो घंटों उसका चिंतन करेगा, अब जिससे द्वेष रहा होगा, दुश्मनी रही होगी, तो अब उसकी बात आ जाएगी खाली घर में, क्योंकि वर्तमान में मन राजी नहीं रहना चाहता, वो हमेशा तो भूत में या तो भविष्य में सोचेगा। अब बैठा बैठा दो चार श्वास ध्यान देखा, फिर अरे
उसने हमको ऐसा कह दिया था, बड़ा बेवकूफ आदमी था, अकल नहीं थी, उसको बोलने नहीं आता। अब इसी में आपका घंटों समय बीत जाएगा, तब तक आवाज आएगी, अरे सचेत हो सचेत हो, फिर आप जो आप विश्वास बनाएंगे। ये मन की हालत है, राग और द्वेष यही यही मन जाएगा, तीसरी जगह कोई नहीं है। और मन कभी भी वर्तमान में राजी नहीं रहता, वो हमेशा भूत या भविष्य की रंगीन शेष तैयार करता रहता है। जैसे टीनेज वाले हैं, 25 साल के नौजवान हैं, वो भविष्य को रंगीन भविष्य में उनका मन मस्त रहता है, इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, है ना, दोस्त बनाएंगे, हमारा नाम होगा, अब उसमें मस्त रहेगा। और सामने क्या है कुछ पता नहीं, अब बूढ़ा जो होगा, अरे हमने तो ये किया था, हमने ये काम कर दिया था, आज के लोग के पास कोई बुद्धि नहीं है, हमने तो ये किया था, हमने कितना नाम कमाया, हमने कितना धन कमाया। अब वो भूत में वर्तमान में रह करके कोई राजी नहीं है, और ये साधना वर्तमान में है। किसी को कितना कभी भी नींद ना आती हो, आप श्वास पर 10 मिनट ठीक ध्यान करें, कोई प्राणायाम नहीं, सिर्फ श्वास पर ध्यान करें, गहरी नींद आ जाएगी। कोई टैबलेट खाने की जरूरत नहीं, कोई डॉक्टर के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। ये सबसे बड़ा दवा है कि नींद ना आए, तना हो, 10 मिनट बैठ करके श्वास को जाने, श्वास को जानते जानते नींद आ जाएगी। और जब सोचे कि नींद नहीं आ रही है, आ रही है, नींद आनी चाहिए, अब कोशिश करेंगे, और जहां कोशिश करेंगे वो नींद भगती जाएगी। इसलिए साधना कोशिश की नहीं है, ये साधना जानने की है। तो मन के दो ही क्षेत्र हैं, राग और देश, भूत और भविष्य। ये साधना मन को वर्तमान में रखती है, श्वास वर्तमान में है, तो वर्तमान में रहने से हमारे अंदर, और एक ऐसी साधना है कि अगर आप प्राणायाम करते, प्राण का संयम करते, कंट्रोल करते, तो कर्ता बन जाते, तब भोक्ता बन जाते। ये आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया है, देखा है, जाना है अपने आप। अगर लंबा श्वास आए तो लंबा, गहरी श्वास आए तो गहरी, ओछी श्वास आए तो ओछी। तो राग द्वेष मोह विहीन, कर्ता विहीन ये पवित्र चरण हमारे अंतःकरण में गए, हमारा मन एकाग्र हुआ, तब ये संवेदना मालूम हो रही है। और जो प्रज्ञा है, अनित्य बुद्धि, कि अनित्य है, अनात्म है, दुखात्म है, मैं नहीं, मेरा नहीं, क्योंकि वह हमेशा बदल रहा है, ये प्रज्ञा है। तो अब संवेदना तो पैदा हो गई, अच्छी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। संवेदना के साथ आप कितना समता में रह पाते हैं, कितना तटस्थ रह पाते हैं, अनित्य बोध कितना जगाते हैं, यही साधना का परिमाप है, यही प्रज्ञा है। तो आइए, संत कबीर साहब गीता में ले चलता हूं आप लोग, सबसे पहले वेद में ले चलते हैं। ये ऋग्वेद में साधना का वर्णन है, आया सब संपश्यत विपश्यत, सम्यक प्रकार से देखता है, विशेष प्रकार से देखता है, ऋग्वेद का ही शब्द है, संपश्यत सम्यक प्रकार से देखता है, विपश्यत विशेष प्रकार से देखता है। उसके बाद आइए गीता में, गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कारेण आत्मनिबिन्दते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कोई साधन नहीं है, और वह स्वयं योग में परिपक्व वह साधक अपने हृदय में प्राप्त करता है। आप कहेंगे महाराज ज्ञान तो हमको भी है, सारे संसार के लोगों को ज्ञान है, वेद जानता हूं, शास्त्र जानता हूं, उपनिषद जानता हूं, पंचदशी जानता हूं, गुरु ग्रंथ जानता हूं, विशेष जानता हूं, हमारे से बढ़कर के ज्ञान।